अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। दोस्तों, आपका मेरे चैनल तौफीक स्टडी जोन में खैर मकदम है, खुश आमदीद है, मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपके सामने आपकी खिदमत में TGT PGT 2022 उर्दू के उत्तर प्रदेश उर्दू के तमाम मुमकिन सवालात मा जवाबात लेकर हाजिर हुआ हूँ, पार्ट 11। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं, लेट्स स्टार्ट नाउ। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, चेहरा किस सिंफे सुखन का जुजू है। चार ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे ये रहे, 5 सेकंड का वक्त दिए जा रहे हैं, जवाब देने की कोशिश कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, मर्सिया का एजाय तरकीबी है, जुज है। मर्सिया के 8 एजाय तरकीबी हैं, जिसमें सबसे पहला है चेहरा, उसके बाद है सरापा, रुखसत, आमद, रिज, जंग, शहादत और बैन। क्वेश्चन नंबर 2 है, रूप की सिंफ का मजमुआ है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, रुबाई का मजमुआ है। रूप जो है ये फिराक गोरखपुरी की रुबाइयों का मजमुआ है रूप। क्वेश्चन नंबर 3 है, अलीगढ़ तहरीक किस सदी की तहरीक है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, 19वीं सदी की तहरीक है। अलीगढ़ तहरीक किस सदी की तहरीक है, 19वीं सदी की तहरीक है अलीगढ़। एक सवाल ये भी आता है कि किस तहरीक के दौरान उर्दू में सिंफ नावेल का आगाज़ हुआ, तो वह है अलीगढ़ तहरीक 19वीं सदी में नावेल का भी आगाज़ हुआ था, 19वीं सदी में अलीगढ़ तहरीक की तहरीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मुआज़ना अनीस व दबीर किसकी तसनीफ़ है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, अलामा शिबली नुमानी की तसनीफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, खुतबात अहमदिया का मुसन्निफ कौन है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, सर सैयद अहमद खान की तसनीफ है खुतबात अहमदिया। क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें से किसका ताल्लुक फोर्ट विलियम कॉलेज से है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, मीर अमन का ताल्लुक फोर्ट विलियम कॉलेज से है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इनमें कौन इसमें जामिद नहीं है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, खरीदना जो है इसमें जामिद की मिसाल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सरकार या किसी अदारे की तरफ से दिया जाने वाला नाम क्या कहलाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, खिताब कहलाता है। सरकार या किसी अदारे की तरफ से दिया जाने वाला नाम क्या कहलाता है, खिताब। खिताब जो किसी सरकार, बादशाह, यमुना की तरफ से मिलता है जो नाम, उसे कहते हैं खिताब। क्वेश्चन नंबर 9 है, वो अल्फाज जिनके मानी एक जैसे हो उनको क्या कहते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, उसे मुतरातिफ लफ्ज कहते अल्फाज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, लफ्ज जालिम की जिद बताइए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, मजलूम जो है, लफ्ज जालिम की जिद क्या है, मजलूम। क्वेश्चन नंबर 11 है, लफ्ज मखदूम की जिद बताइए। इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, खादिम, मखदूम जिसकी खिदमत की जाए, खादिम खिदमत करने वाले को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे करो बयां, मजकूरा वाला शेर किस शायर का है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, दर्द का है। एक सवाल ये भी पूछा जाएगा, ये शेर किस्से में शामिल है, किस किताब में शामिल है, तो बाग़ो बहार के किस्से में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 13 है, लफ्ज सूद की जिद क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, ज़िया जो है लफ्ज सूद की, ज़िया मने होता है नुकसानदा, ज़िया सूद ने फ़ायदा मंद और ज़याम ने जो है नुकसानदा। क्वेश्चन नंबर 14 है, तसव्वुफ़ किसकी शायरी की शनाख्त है।
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन थ्री, दर्द की शायरी की शनाख्त है तसव्वुफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, मतला के बाद अगर दूसरा शेर भी मतला आए तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर एक, उसे हुस्ने मतला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, तशबीब से कौन सी नई सिंफ बरामद की गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन एक, मसनवी बरामद की गई है। क्वेश्चन नंबर 17 है, अमीर खुसरो कहाँ पैदा हुए थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन टू, पटियाली में पैदा हुए थे। क्वेश्चन नंबर 18 है, बद्र मुनीर किस मसनवी का किरदार है? इसका सही जवाब है ऑप्शन एक, सहनुल बयान का किरदार है। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाल ही के नज़दीक कौन सी सिंफ सुखन सबसे ज़्यादा मुफीद और कारामद है? इसका सही जवाब है ऑप्शन एक, मसनवी जो है वो सिंफ जो है सबसे ज़्यादा मुफीद और कारामद है हाल ही के नज़दीक। क्वेश्चन नंबर 20 है, शाही दरबार से किस शायर का ताल्लुक़ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन थ्री, ज़ौक का ताल्लुक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, कसीदा का वह हिस्सा जिससे कसीदे का आगाज़ होता है कहलाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन फोर, तशबीब। क्वेश्चन नंबर 22 है, खाकान हिंद का खिताब किस शायर को अता हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर टू, ज़ौक को अता हुआ था। खाकान हिंद का खिताब किस शायर को अता हुआ था? ज़ौक दहलवी को मिला था सालम सानी की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 23 है, तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ खिलौने दे के बहलाया गया हूँ मशकुरा बाला शेर किस शायर का है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन में, शाद अजीमाबादी की गज़ल का मतला है। क्वेश्चन नंबर 24 है, गज़ल का वो कौन शायर है जिसे मुजाहिदे आज़ादी का दर्जा भी हासिल रहा? इसका सही जवाब है ऑप्शन में एक, हसरत मोहानी। हसरत मोहानी को मुजाहिदे आज़ादी का दर्जा भी हासिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 है, गज़ल एक नीम वहशी सिंफे सुखन है ये किसका कॉल है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर थ्री, कलीमुद्दीन अहमद का कॉल है। तो दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए।